साजिश नहीं और हम शरीफ हैं मगर सीधे नहीं, मगर सीधे नहीं। वो हैं गाड़ी चला रहे हैं और अभी हम आ जा रहे हैं रुद्रपुर, कुछ काम है हमें वहाँ पे, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये है कैंची मंदिर जी, कैंची में पहुँच चुके हैं अभी हम। काफ़ी भीड़ रहती है यार यहाँ पे, से आपको विराट कोहली आए हैं तब से और ज्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे ना, लोगों को पता चल गया ना कि यहाँ पे भी विराट कोहली की सेंचुरी ही सही है, बाबा का आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद। बात तो है कुछ, बात तो कुछ है भाई यहाँ, बात तो भैया देखिए पार्किंग, पहले पार्किंग नहीं थी ना, बड़ी दिक्कत थी, अब एक बड़ी पार्किंग बना दी, अब ये पार्किंग की वजह से यहाँ पे भीड़ थी, नहीं तो ये तो बहुत जाम भी लगता था जगह। पर्यटन पर्यटन अगर है तो पर्यटन में विकास हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए लोगों को। लेकिन सबसे बुरी बात है कि यहाँ आते हैं और गंदगी बहुत कर जाते हैं, अगर आप देखोगे पूरे रास्ते पर कूड़ा कूड़ा कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा इस बात की हिदायत उनको देनी चाहिए कि आप आइए घूमिए फिरिए प्रकृति का मजा लीजिए, पर अपने साथ लाइए गंदगी को, अपने साथ ले जाइए, ऐसा नहीं कि उस गंदगी को लेके यहाँ फेंक दो। ये क्या करते आते हैं सारा का सारा कूड़ा बाहर फेंक देते, जैसे कि कोई पिकनिक स्पॉट होगा और ये मतलब कचरा, मतलब साफ सुथरी जगह है, उनको लगता है जैसे कि फेंको कचरा, ये खुली जगह है यहाँ पे कचरा नहीं है, यहाँ कचरा करो, हाँ कचरा करो, तो ऐसा नहीं करना है। अभी हुआ क्या, एक गाड़ी वाले ने हमें क्या दिया, अपना हाथ दिया, तो हमारी गाड़ी भी चल रही, उसकी भी गाड़ी चली, तो मुझे लगता है कि वो चाहता है कि हम उसका हाथ उखाड़ के अपने बोनेट पे रख दे, जिससे वो उसके हाथ को मेरे ख्याल से आगे छोड़ना होगा, तभी मेरे ख्याल गाड़ी उसकी धीमी चलती, उसको तकलीफ हो रही होगी, वो हाथ को, हाथ उसका साथ में मुझे लग रहा है भारी हो रहा है, तो वो चाहता था कि हम उसका हाथ उखाड़े अपने बोनेट पे रखे और आगे को चले जाए, चले जाए। अरे भाई साहब आपके पास इंडिकेटर, इंडिकेटर दो, हम चले जाएंगे अपनी साइड, चलो हम खुद निकल जाएंगे बात देने, हाथ देके तो हमें कहाँ भेजोगे, चलो वाला आगे, हम तो अपने हिसाब से चलाएंगे गाड़ी, मतलब हर कोई अगर बाहर गाड़ी से हाथ निकालने लगे तो कैसे चलेगा भाई। है आ जा, अभी अभी क्या किया उसने, सूरती मल्ला था, रोड क्रॉस कर रहा था, उसने कहा कि प्राण चल जाए पर सूरती बर्बाद ना, सूरती मल्ला नहीं छोड़ूंगा, इतना खतरनाक से मजा आ गया है, लेकिन छोड़ दो प्राण चले जाए चल जाएगा, लेकिन सूरती खराब नहीं हुई भैया, सच्चा सूरती धारक देखा है मैंने यार, सच्चा सारी सूरती मेरा। समाज में सबसे बुरी चीज होती है जाम, जो अभी लग चुका है, और मुझे दुख इस बात का कि हम यहाँ आए हैं और हमारा मतलब कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे सम्मान में यहाँ रोड खाली नहीं, इतने में तो रोड खाली हो जाने की लिया जाएगा, बुलडोजर चल जाने किए थे, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन हुआ तो गलत ही यार, देखो इतनी भीड़ आगे, देखो आप, देखो दिखाओ आप, दिखाओ आप, दिखाओ कि आज हमारा दिन बहुत 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 हेक्टिक था, आज हमारा क्या कहते हैं हमारा पूरा, हम सुबह से निकले हैं और दिन भर फटिक हो गया, फटिक हो गया हमारा, और इतना इतना ज्यादा सफर 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 सफर, हम मतलब क्या बताएं, और काम सुबह क्या है 7 बजे निकले, हाँ सुबह 7 बजे से निकले हैं और शाम के 7 अभी बज चुके हैं, और लगातार हम आपके 12 घंटे से सफर कर रहे हैं, सफर ही कर रहे हैं, और बीच में रुक के अभी भी सफर जारी है, अभी हमारा सफर जारी है, और मुझे लगता है कल सुबह तक ये सफर जारी रहेगा, जारी रहेगा, कल स्कूल भी जा रहा है, कल स्कूल भी हम सफर कर रहे हैं, अभी सफर कर रहे हैं, ये जिंदगी का सफर चली रहा है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं,
फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने पे खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने पे मिलते नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अभी ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तभी हमें म्यूजिक की आवाज सुनाई दी, गाने की आवाज सुनी और बहुत बेहतरीन। तो हमने सोचा वैसे म्यूजिक लगा, लेकिन जब हमने हल्का से ऊपर को देखा तो कोई कोई गा रहा था कोई बंदा, क्योंकि हम तो खाने भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भी भूख भी लगी है। लेकिन सबसे मजे की बात आवाज जो सुनी, जो ये आवाज आवाज सुनी, उस गाड़ी ब्रेक लगाई और जब हमने उसको देखा कौन गा रहा है, तो आओ एंजॉय करते हैं। लेट मी डाइन करके हम गुजर रहे, तो हम भाई की मधुर आवाज सुनी और हम रह नहीं पाए। कैसे से 4 किलोमीटर पहले और भीमताल की तरफ को, तो अभी हम यहाँ पे आए थे, तो हमारे एक भाई है जो बेहतरीन गाना गा रहा था, भाई ने नहीं भी हाँ उसकी आवाज है, वो भी हमारे जीवन बाबू ने बहुत अच्छा गाना गाया। अभी ऐसा होता था नहीं, आज आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं उसी भाई की खूबसूरत आवाज़ है और वाकई में मजा आ गया इस जगह में भी और उसकी आवाज़ में। क्या करूं? ये है मजा। बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। भीमताल की बात ये ठंडा होता है। और उन्होंने बहुत जबरदस्त गाना गाया। मैं जब भी यहाँ इस रास्ते गुजरता हूँ ना, केवल इनकी आवाज के कारण यहाँ रुकता हूँ। मैं कहीं भी खा चुका होता ना ये भाई की और तुम्हारी, मजा तुमसे पहली बार मिला, भाई की तो पहले भी सुना मैंने, लेकिन वाकई में बहुत मजा आ गया। अल्टीमेट भाई मजा आ गया। मैं इसे भाई से प्यार लास्ट टाइम आया था ना, मैंने इससे कहा था कि ये कहते हैं अगर तो होगा क्या कहते हैं गिटार होगा ना और ज्यादा मजा आएगा, संडे को होता है यहाँ पे, बढ़िया है। चलो ठीक है, अच्छा एक बहुत बेहतरीन शाम अभी हमने बिता रहे हैं यहाँ पे, और हम अपने हमारी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत शामों में से एक शाम ये है कि हाँ बहुत खूबसूरत शाम है। और जो उसके साथ जो म्यूज़िक है, सबसे ज़्यादा उस मज़ा है म्यूज़िक का। हाँ म्यूज़िक से क्या करते हैं इसमें और भी चांद चार चांद लग गए हैं। तो अभी मैंने भाई से एक फरमाइश की है कि मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कह रखा है भाई से। अब भाई कह रहा है कि मैं इसको गाता हूँ, तो देखो क्या होता है। फाइनली हम अपने अमित भाई के साथ हैं, लेट मी डाइन। और जब भी आप कभी यहाँ से निकले तो यहाँ जरूर आइए, इस भाई के लिए जरूर आइए। तो मैं जितनी बार भी यहाँ से गुजरा हूँ मैं केवल इस भाई के लिए आया हूँ। मैं कह देना चाहता हूँ, मुझे खुशी होती है कि इसकी आवाज़ में जितनी बार से सुनता हूँ लेकिन भी यही भी आई है। तो बहुत खुशी मिल रही है, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे तो फिर आते हैं, ठीक है। लेट मी डाइन, बहुत खूबसूरत हमारी शाम गुजरी है और मज़ा आ गया। हमारे जो दिन में हम थके थे ना, हम थकान कह सकते हैं, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत जगह है और मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हमारे जितने हम थके थे हमारी सारी की सारी थकान दूर हो चुकी है, जो हमारा लास्ट एंड हुआ है। हाँ थकान खत्म, सारी की सारी थकान खत्म हो चुकी है। तो आप सीधे चलते हैं घर पर, क्योंकि काफ़ी हो चुकी है लेट और हमें यहाँ से ठंड हो रही है, ठंड काफ़ी है। तो चलते हैं घर को,